भगवान शिव के शरण में कौन पहुंचना चाहता है, हाथ उठा के बताओ। अच्छा, ये लोग नहीं जाना चाहते, मिटाई में ये भी नहीं जाना चाहते। जो जाना चाहते हो, शिव धाम को प्राप्त करना चाहते हो, गगरी को भगवान लक्ष्मी नारायण साक्षी रूप में है। और कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान नारायण को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है। तो जो शिवलोक प्राप्त करना चाहता है भगवान शिव का, क्योंकि हरि में और हर में अंतर नहीं है, जो हरि है वही हर है और जो हर है वही हरि है। तो हरि भी सामने और हर भी सामने, इसलिए जो शिवलोक को प्राप्त करना चाहता है दोनों हाथ उठा करके बड़ी मस्ती में ताली बजाते हुए बोलेंगे हरि। भगवान शिव भगवान श्री हरि ने मन में ठान ली, मेरा भक्त। और ये मोह से काम से ग्रसित, ये जो अहंकार इसके अंदर उत्पन्न हो गया है, ये इसके जीवन के सही नहीं। यही सोच करके भगवान श्री हरि ने एक सुंदर सा नगर का निर्माण किया। तहा बसो शैल निधि राजा, अपने माया का विस्तार की मायापति ने और एक सुंदर सा नगर का निर्माण किया। और फिर उन्होंने उसमें शैलनिधि राजा, शैलनिधि नाम का राजा बनाया, एक कन्या जिसका नाम विश्वमोहिनी। नारद जी चले जा रहे तो उस नगर को देखा, सोचने लगे बड़ा सुंदर नगर है, बड़े सजावट हो रहे हैं, बात क्या है? पूछा, भैया इस नगर में बड़ी रौनक हो रहा है, बड़ी सजा सजा धजा है, क्या बात है यार, कोई आने वाला है क्या? लोगों ने कहा, महाराज हमारे यहां के जो राजा शैलनिधि जी है उनकी पुत्री का स्वयंवर, कल उनकी पुत्री का स्वयंवर है, तो देश विदेश से राजा लोग आएंगे तो उन्हीं के स्वागत में इस नगर को सजाया गया। अच्छा, अब तो काम बढ़ने लगा। तुरंत नारद जी महाराज उस नगर में प्रवेश किए, राजा के राज दरबार में पहुंचे शैलनिधि के। शैलनिधि राजा ने देखा नारद जी को अर्घपाद्य से
पूजा की, आसन पर बैठाया और अपनी पुत्री को बुलवाया विश्वमोहिनी को। उससे कहा कि देखो संत आए हैं, बेटी चरण छू प्रणाम की। प्रणाम किया तो देखा नारद जी ने उसके रूप को। अब रूप को देख करके नारद जी मोहित। राजा ने कहा महाराज ये मेरी पुत्री है, जरा आप इसके हस्त रेखा देखिए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसके वर कैसे मिलेंगे, घर वर कैसे मिलेगा, ये आप जरा कृपा करके बताइए। लेकिन नारद जी तो कामाशक्त हो गए उस विश्वमोहिनी को देख करके। अब हाथ लिया अपने हाथ में विश्वमोहिनी का, लेकिन हाथ को देख नहीं रहे, आंख फार करके विश्वमोहिनी की तरफ देख। राजा ने कहा महाराज क्या लिखा है। नारद जी ने कहा इसके भाग्य बड़ी अच्छी, इसका पति जो होगा ना अजय होगा, जिसको कोई पराजय नहीं कर सकेगा। अमर होगा, कभी मृत्यु को प्राप्ति ही नहीं होगा। नारद जी महाराज सारी व्याख्यान कर दिए। और अब नारद जी कहते महाराज मैं चलूं, क्योंकि नारद जी के मन में ये आया कि अब जल्दी से जा करके हरिशन मांगो सुंदरताई। अब मैं प्रभु से जल्दी से जाकर के उनका रूप मांगू, सौंदर्य मांग लू, जिससे विश्वमोहिनी मुझे वरण कर ले। महाराज राजा ने कहा महाराज एक आध दिन आप रुके, कल स्वयंवर है, स्वयंवर भी देख करके और बिटिया को आशीर्वाद दे करके जाए। लेकिन नारद जी कहते नहीं नहीं मुझे बहुत कार्य करना है और मुझे जल्दी जाना है। और तुरंत नारद जी वहां से चल दिए और सीधे बैकुंठ पहुंचे। भगवान ने नारद जी को देखा, बाबा क्या बात है, बड़े प्रसन्न है। नारद जी ने कहा महाराज एक मन में अभिलाषा जागृत हुई है। हाँ कहिए कहिए क्या बात। महाराज विवाह हो जाता तो बड़ी अच्छी बात थी, मन में आया है कि विवाह कर। भगवान ने कहा ये कोई सोचने की बात है, जरूर कीजिए, जल्दी से जल्दी शादी कर लीजिए। नारद जी ने कहा यही तो एक बाधा इस वक्त उत्पन्न हो रही है। क्या हमारा रूप देख नहीं रहे, हमारा रूप तो बाबा वाली है और इससे कोई लड़की विवाह करेगी नहीं। अरे दाढ़ी मोछ देख करके कौन लड़की देगी, करेगी हमसे विवाह। इसलिए आपने रूप देहु हरि मोहि, आपने रूप
अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान श्री हरि से पूछ कहा, नारद जी आप अपना रूप मुझे प्रदान करें जिससे मेरा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा ठीक, लेकिन मेरे भाई बहन एक बात नारद जी ने और कहा, जरा आप उस शब्द के ऊपर ध्यान दे कि नारद जी ने क्या कहा। भगवान से उन्होंने रूप मांगा, भगवान ने रूप देने के लिए कह दिया ठीक है आपको मैं अपना रूप दे दूंगा। लेकिन नारद जी ने जो शब्द कहे, जे ही विधि होई परम कल्याण, जे ही विधि होई परम कल्याण, जे ही विधि होई परम कल्याण, भगवान से कहा महाराज वही कार्य कीजिएगा जिसमें मेरा हित। भगवान ने कहा मैं वही करूंगा जिसमें आपका हित होगा, आप चिंतन मत कीजिए। नारद जी तो सोच रहे मेरा हित उसी में है कि विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाए और भगवान का रूप ले लूंगा, भगवान अपने रूप दे देंगे तो विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाएगा। नारद जी तो यही सोच रहे, लेकिन वहां से नारद जी चल दिए और भगवान ने नारद जी को रूप भी दे दिया। नारद बाबा पहुंच गए कहां, विश्व मोहिनी के स्वयंवर में। तहारे दो रुद्रगण वहां पर भगवान शिव ने अपने दो गण को भेजे थे कि जाकर के देखो भगवान ने क्या लीला की है। नारद जी महाराज पहुंच गए, आज स्वयंवर का दिन है, सब लाइन से लगे हुए हैं कुर्सी और सब देश विदेश के राजा लोग अपने अपने आसन पर बैठे हैं। नारद जी जब पहुंची तो उसको देखा कि कौन सी कुर्सी खाली है, तो सबसे आगे वाली कुर्सी खाली थी जिधर से विश्व मोहिनी को आना था। नारद जी ने कहा यह कुर्सी सबसे अच्छा है, पहले मैं ही मिलूंगा और मेरे को तो भगवान ने अपना रूप दे दिए हैं, तो बस मेरे को रूप देख करके, मेरी रूप देख करके और विश्व मोहिनी मोहित हो जाएगी और जयमाल मुझे पहना दे। अब जब वहां पर कुर्सी पे बैठ गए, विश्व मोहिनी को आते देखा तो
ऐसे खड़े हुए। विश्व मोहिनी ने नारद जी की तरफ देखी तक नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया था। और इस बात को दो ही आदमी जानते थे, या तो विश्व मोहिनी देख रही थी उस रूप को, बंदर के रूप को, और या वो जो दोनों रुद्रगण थे ना भगवान शिव का, वो देख रहे थे। अब विश्व मोहिनी जैसे ही आगे बढ़ी तो नारद जी अपने कुर्सी उठाकर फिर आगे, फिर विश्व मोहिनी आगे बढ़ती है, नारद जी फिर कुर्सी उठा करके फिर आगे। जितने वहां सभा में है सब हंस रहे कि देखो नारद को हो क्या गया है, बंदर का रूप और किसी को नहीं दिखाई दे रहा, केवल विश्व मोहिनी को और रुद्रगण को, और रुद्रगण हंस रहे। बार बार जब उठा करके चलते हैं ना और सब हंसते हैं, तो देखा क्या, सबसे अंत में श्री हरि विराजमान है। विश्व मोहिनी गई और श्री हरि के गले में जयमाल डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और भगवान वहां से तुरंत विश्व मोहिनी को लेकर के नौ दो ग्यारह। अब तो नारद जी का क्रोध का सीमा नहीं। अच्छो, इतनी बड़ी धोखा मेरी साथ, मैंने विष्णु से रूप मांगा, मैं तो सोचता था वो मेरा परम हितैषी है, लेकिन नहीं, आज मुझे पता लग गया कि विष्णु सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है। लेकिन ठीक है, इस अपमान का बदला मैं विष्णु से अवश्य लूंगा और इस अपमान का मजा चखाऊंगा कि एक साधु के साथ छल करने का परिणाम क्या होगा। वो रुद्रगण जो थे हंस रहे, नारद जी से कहने, बाबा जा दर्पण में मुख तो देख लो। नारद जी महाराज, दर्पण तो था नहीं, कुआं था, कुएं में जैसे ही अपने प्रतिबिंब को देखे और बंदर का रूप दिखाई दिया, अरे अब तो क्रोधाग्नि जलने लगा। मेरे भाई ध्यान देना, कामात क्रोधो भी जायते, काम से उत्पत्ति क्रोध का है, अक्रोध एक ऐसी वस्तु है कि बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, सोचने की शक्ति नहीं रहती। अब तो जलने लगे और उसी आवेश में नारद जी ने उन दोनों रुद्रगण को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में जाकर के तुम असुर हो जाओ। श्राप दे दिया। नारद जी के चरण पकड़ लिए दोनों, प्रभु क्षमा करो मुझसे गलती हो गई।
तब नारद जी ने कहा, मृषा न हो ही देव ऋषि वाणी, ये वाणी असत्य तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर तुमसे कहता हूं, कि तुम असुर रूप में जन्म तो मृत्यु लोक में लोगे, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान स्वयं पधारे। तब वहां से नारद जी महाराज चले। अब भगवान ने थोड़ी और लीला की, क्योंकि नारद जी महाराज सोचते हुए जा रहे हैं, दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, विष्णु को इस अपमान का बदला लेकर के बताऊंगा और उसे श्राप दे दूंगा, क्योंकि उसने मेरी संसार में हंसी उड़ाई। और भगवान ने उसी समय एक लीला की, बीच ही पंथ मिले धनु जा, क्योंकि जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है, क्रोध आता है, कामात क्रोधो भी जाए, अक्रोध आने के बाद बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है। अब नारद जी को कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आया, और क्रोध आया तो विवेक नष्ट हो गया, और नारद जी महाराज सोचते हुए जा रहे कि उसे मजा चखाऊंगा, उसी समय बीच रास्ते में ही विमान पर बीच में भगवान श्री हरि बैठे विराजमान है, एक तरफ विश्व मोहिनी है, दूसरी तरफ लक्ष्मी विराजमान। अब देख करके आप कल्पना करो, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की प्रेमिका को लेकर के भाग जाए और फिर थोड़ी रास्ते में चले और उसकी प्रेमिका को लेकर के सामने खड़ा हो जाए, तो जले पे नमक छिड़कना हुआ कि नहीं हुआ बताओ, जले पे नमक छिड़कना हुआ नहीं कि हुआ, भगवान यही कर रहे हैं। बिचारे नारद जी तो पहले ही जले पड़े हैं और भगवान बीच में और विश्व मोहिनी को लेकर के और सामने खड़े हैं,
अब नारद जी को और क्रोध आ गया और नारद जी ने उसी समय श्राप दे दिया, जाओ परम स्वतंत्र सिर पर को, तुम्हारे एक ऊपर कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं, जो मन में आता करते हो, जैसा इच्छा होता वैसा करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे देता हूं। जिस प्रकार से मैं स्त्री के वियोग में दर दर भटक रहा हूं रोता हुआ, तुम भी इसी प्रकार से स्त्री के वियोग में दर दर भटकोगे रोते हुए। और जो रूप तूने मुझे दिया था, यही रूप यही बंदर उस समय तुम्हारा सहायता करेगा। सो प्रसाद प्रभु सिर धरी ले, भगवान ने कहा तथास्तु। नारद जी जो आपने प्रसाद दिया है, वरदान नहीं प्रसाद दिया है, उस प्रसाद को मैं ग्रहण करता हूं। और उसी समय भगवान ने एक लीला और की, एक लीला क्या की, श्राप सिर पे धारण करके चल दिए। अब नारद जी तो ये सोचते हुए जा रहे कि अच्छा मजा चखाया इसको, अब पता लगेगा ना जो कि स्त्री का वियोग क्या होता है, क्योंकि मेरे साथ इसने छल किया है ना, इसलिए इसको अब पता लग जाएगा। तो जैसे ही थोड़ी दूर चले, फिर भगवान सामने विमान पे बैठे हुए हैं, लेकिन उस समय संगरमा नहीं राजकुमार, अब ना माया की विश्वमोहिनी है ना लक्ष्मी है, अब तो नारद जी ने देखा मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने इष्ट देव को श्राप दे दिया। अब पश्चाताप की अग्नि में अब नारद जलने लगे और भगवान से कहा, प्रभु आप मेरे श्राप को वापस करो, मैंने जो श्राप दिया है उसे आप मिथ्या कर दो। भगवान ने कहा, नहीं नारद, ये मेरी इच्छा थी, ये मेरी इच्छा था और मेरे ही इच्छा से, क्योंकि होई है सोई जो राम रचिरागा, सोई जो राम रचिरागा, होई है सोई जो राम रचिरागा, होई है सोई जो राम रचिरागा, को करी
प्रभु इच्छा हुए। ये हरि इच्छा, हरि इच्छा भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यश यपयश विधि। ये छह चीज भगवान ने अपने हाथ में रखा है। इसलिए भगवान ने कहा नारद, ये मेरी इच्छा थी। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा और जो कुछ हो गया, ये सब इच्छा किसकी है? भगवान भोलेनाथ की। शिव इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता मेरे भाई बहन, ध्यान रखना। प्रभु इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। सब कुछ उन्हीं के इच्छा से होता है। भगवान नारद, नारद जी महाराज भगवान से क्षमा मांग रहे हैं और नारद जी महाराज से भगवान कहते, नारद ये मेरी इच्छा थी, इसलिए आप शोक मत करो, आप पश्चाताप मत करो। जो आपने श्राप दिया है, ये श्राप सत्य। आपका वचन असत्य नहीं जाएगा। इसीलिए मेरे भाई बहन, भगवान राम ने नारद की वचन को सिद्ध करने के लिए ही, हम लोग आगे कथा श्रवण करेंगे। ये जो नारद मोह की कथा है ना रामायण में, ये शिव पुराण से ही लिया गया। अब भगवान वहां से चले हैं। और नारद जी महाराज वहां से कैलाश पहुंचे। महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई। भगवान शिव के चरणों में दंडवत करने लगे। अब इसका भूल का प्रायश्चित भगवान शिव ने कहा, इसके लिए एक ही उपाय है। पैर पड़ गई, आपने देखा नहीं, क्या वो पाप नहीं हुआ? ठीक है, आपने जानबूझ करके नहीं उसके ऊपर पैर रखे, लेकिन अनजाने में भी जो आपसे पाप हो गया, इस पाप का फल भी तो आपको भोगना पड़ेगा। तो तीर्थाटन करके अपने पाप को नष्ट करो। और यही नारद जी महाराज
तीर्थाटन करते हुए मथुरा काशी हरिद्वार प्रयाग बद्री केदार पुष्कर नेमिषारण सब जगह तीर्थाटन कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। एक चीज को आप ध्यान देना, नारद जी भगवान हरि के परम भक्त हैं। अनन्य भक्त हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। लेकिन उनसे भी गलती हुई, लेकिन एक बात और, गलती करवाई किसने? भगवान ने स्वयं। और गलती हो गई, अब उस गलती को मान लेना, हमसे गलती हुई और हमने गलती को मान लिया, ये बहुत बड़ा प्रायश्चित है। बहुत बड़ा प्रायश्चित। इसलिए इस गलती को हम माने और प्रायश्चित करें। जो हमसे भूल हो गया, भगवान शिव से, भगवान श्री हरि से, जो आपका इष्ट जिससे आपको प्यार हो, उससे एक ही प्रार्थना करो, प्रभु हमसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करना। और जिसने अपराध किया और भगवान से क्षमा मांग ली, भगवान तो इतने दयालु हैं कि क्षमा कर देते हैं, बड़ी क्षमा से। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तो भगवान की, शिव की अनन्य कृपा का अनुभव करते हुए आज की कथा का विश्राम, क्योंकि मेरे को इशारा दे दिया जाता महाराज राधे राधे का मतलब बस। समझ गए? राधे राधे का मतलब अब अपनी मोहरा को आप बंद करो। तो आओ शिव नाम लेते हुए आज की कथा को विश्राम दें। कल पुनः हम लोग 3 बजे मिलेंगे, कथा में थोड़ा सा एक प्रार्थना है कि आप लोग भी समय से आओगे तो कथा कहने का भी आनंद आता है, इसलिए समय से आए और समय से और शिव पुराण की कथा समझ में भी तभी आएगा, कोई भी कथा समझ में तभी आता है जब आप क्रमबद्ध आप नित्य कथा श्रवण करेंगे। आओ, मैं तो जपूं सदा शिव नाम दयालु दया कर, मैं तो जपूं सदा शिव नाम दयालु।
अपनी दया के बोलो द्वारे, अपनी दया के बोलो द्वारे, पूरण हो सबका दयालु दया, मेरे पूरण हो सबका दयालु दया।
तू हरे हामी हरा हो हर 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 महादेव I'm gonna make it.